हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम कर रहे थे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो मतलब वैल्यू अलग होगा और एग्ज़ाम में वैल्यू तो जुड़ना सेम होगा, थोड़ा अलग होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ 50% मोर देन बी, देन बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए। ओके, तो क्या क्या आ गया? अगर मैं मानूं ए सॉरी बी 100% है, तो ए कितना होगा? ए होगा 150, क्योंकि बी अगर बी से ए 50% ज़्यादा है ना, तो ये 50% ज़्यादा हो गया ना। ओके, आप बी का वैल्यू कोई भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ए हो गया 150 और बी हो गया 100। ओके, तो अब पूछा गया है कि बी ए का कितना परसेंट है। ओके, तो ये क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 150 इनटू 100, तो ये कट जाएगा और यह आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 66 by 2/3 के परसेंट। ओके, और आप अगर आप एक अगर 3 भी पकड़ते हो ना, तो अगर ओके अगर आप एक को 3 और 2 पकड़ते तो भी वही सेम आएगा। अगर कोई लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ए का वैल्यू है ये, बी का वैल्यू है ये, तो हम इसे काटना चाहते हैं, तो अब ऐसे भी कर सकते हो यार, आंसर सेम ही आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 40% एंड डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो सपोज हमने माना है एक आर्टिकल का दाम है 100 रुपीज़, ये 40% इंक्रीज हुआ। ओके, और इसके बाद 20% डिक्रीज हुआ, तो अब इसका वैल्यू कितना है, 80। तो टोटल कैसे अब काट पीट के आंसर आ जाएगा कि ये गया, तो आएगा, तो अब इसका वैल्यू हो गया कि 111। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ ये इसके प्राइस में, तो ये हुआ क्योंकि पहले 100 था, अभी है 100 के, मतलब 112, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ के, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो क्या होगा 12% चेंज हुआ। ओके, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए माफ करते हैं। आप पहले अच्छे से ट्राई करना, बाद में मैं आंसर बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, द एस सैलरी इज 20% मोर देन बी। अगर मैंने माना बी की सैलरी है 100, तो ए की सैलरी कितना होगा 120। ओके, देन एस इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, तो लार्जर देन बी कितना है। ओके, एक का वैल्यू है कि लार्जर देन क्या है, ये 20% लार्जर है ना, किस पे, बी पे। ओके, तो क्या होगा 20% डिवाइड बाय 100 क्यों है, क्योंकि ये बी का वैल्यू है, तो ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 20%। अगर आपको समझ में कुछ मतलब अगर नहीं आ रहा ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जैसे कि मैं आपकी क्वेरी को और अच्छे से समझा सकूँ। ओके, ओके, शुरू में सबको ऐसा लगेगा कि ये नहीं हो रहा, बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इजी है, और बहुत ज़्यादा अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। ओके, सोचना क्या है, इजी है ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये पिछला वाला ये क्वेश्चन था, तो थोड़ा चेंज है। ओके, ए सैलरी इज 20%
मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, ओके बी ऐसा कितना कम है, ओके तो ये किसका कैसा होगा, जैसे कि माना था हमने उस वीडियो उस पहले क्वेश्चन में जब बी का वैल्यू था 100 और ए का वैल्यू था 120, तो इसमें कहा गया है बी एज ए कितना कम है, तो 20% दोनों का डिफरेंस है ना, और अगर बी इज व्हाट परसेंट ऑफ देन, मतलब बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, तो ये नीचे पे ए का वैल्यू होगा, ओके और ये डिवाइड होगा 5 और ये दिया होगा 6, ओके क्यों हुआ, इसमें बताया गया कि इसमें कहा गया कि बी ए से कितना कम है, तो यहाँ पे 120 किससे कम है, मतलब किससे कम है, तो ए से कम है ना, तो इधर पे ए का वैल्यू होगा और डिफरेंस इधर पे होगा, तो ये कितना आएगा 20, ओके तो ये इससे कट जाएगा, कट के होगा 16.23%, ओके होप ही आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा अच्छे से, ओके ऐसा कुछ नहीं कि मैं सिर्फ वही बक बक कर दूँगा, आपको मतलब देखना होगा, ओके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो भाई बहुत गुड, वेल एंड गुड, बट नहीं आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके और आज के वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेहनत करते रहिएगा।